नमस्कार दोस्तों, आपके अपने वैदिक एस्ट्रो लाइफ यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों का जुलाई 2024 का महीना कैसा रहेगा, मतलब 1 से लेकर 31 जुलाई के अंतर्गत आपके जीवन में कौन सी घटनाएं घटित हो सकती हैं, क्या क्या बदलाव देखने को मिल सकता है, क्या परिवर्तन देखने को मिल सकता है अपने जीवन में। और साथ ही हम ये भी बताएँगे कि आपके जीवन में 3 बड़ी खुशखबरी हैं और 2 सावधानी है, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन पर क्लिक कीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि इसमें कही गई बातें आपको अच्छे से और स्पष्ट समझ में आ सके। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुंभ राशि वाले जातकों की कुंडली में कौन से ग्रह कहाँ विराजमान हैं और आपको कितने अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम रहेंगे। जब ग्रहों की स्थितियाँ सही नहीं रहेंगी तो आपको अच्छे परिणाम भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातक, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वीडियो के अंतर्गत एक कुंडली बनी हुई है और उस कुंडली के अंदर सभी ग्रह अपने भावों में विराजमान हैं। जैसा कि कुंभ राशि वाले जातकों के कुंडली में आपके लग्न में शनिदेव विराजमान हैं और आपके सेकंड हाउस में मीन राशि के साथ राहु देव विराजमान हैं। आपके थर्ड हाउस में मेष राशि के साथ मंगल और चंद्रमा विराजमान हैं। वहीं फोर्थ हाउस में वृषभ राशि के साथ देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं और आपके फिफ्थ हाउस में मिथुन राशि के साथ सूर्य शुक्र विराजमान हैं। वहीं आपके सिक्स हाउस में कर्क राशि के साथ बुध विराजमान है और एट हाउस में कन्या राशि के साथ केतु विराजमान है। अब आइए जान लेते हैं कि कुंभ राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा जुलाई 2024 में। स्वास्थ्य अगर सही है तो आपके सारे काम अच्छे हैं। अगर आपका मन सही नहीं, आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो फिर कोई भी मतलब निकलने वाला नहीं। कितना भी आप काम कर लेंगे बिना मन के करेंगे तो काम खराब होगा। तो कुंभ राशि वाले जातक देखेंगे कि जुलाई 2024 में आपके जीवन में आलस्य आएगा, मतलब आपको काम करने की इच्छा तो पड़ेगी बट उस काम को टाल देंगे। जैसे कि आज का काम आप अगले दिन के लिए टाल दें तो आलस स्वभाव आपके अंदर आ जाएगा। मानसिक तनाव देखने को मिल सकता है और अनिद्रा की समस्या देखने को मिल सकती है। इस टाइम पर कुंभ राशि वाले जो लोग हैं तो जुलाई के महीने में देखेंगे कि आपको एकांत प्रिय, मतलब कि किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अकेला रहना पसंद करेंगे, ऐसा देखने को मिल सकता है जुलाई 2024 में। अब आइए चलते हैं कि कुंभ राशि वाले जातकों का प्रेम प्यार कैसा रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका प्रेम प्यार तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ईगो से बचना है। 15 जुलाई तक ईगो से बचना है क्योंकि सूर्यदेव वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं से ईगो आपके अंदर आ सकता है और ईगो की वजह से काफ़ी ज़्यादा रिलेशन में लड़ाई भी देखने को मिल सकती हैं। तो बाकी यहाँ पर प्रेम प्यार अच्छा है, कोई भी ब्रेकअप तो नहीं होंगे, बस थोड़ा सा वाद विवाद हो सकते हैं। अब आइए चलते हैं कि क्या आपकी पढ़ाई अच्छी रहेगी जुलाई 2024 में। तो दोस्तों, यहाँ पर पढ़ाई आपकी अच्छी रहेगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और साथ ही एक चीज़ और बता दें कि कुंभ राशि वाले जातक, अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर जुलाई के महीने में प्रतियोगी परीक्षा दे कर आए हैं तो उसमें आपको सफलता की प्राप्ति होगी, मतलब आप उस प्रतियोगी परीक्षा में सक्सेस हो जाएंगे। फिर आइए चलते हैं कि क्या संतान योग हैं जुलाई 2024 में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। तो दोस्तों, बता दें कि यहाँ पर संतान योग तो नहीं बने हुए हैं, लेकिन आगे चलकर संतान से जुड़ी खुशखबरी की प्राप्ति हो सकती है। अब आइए चलते हैं कि कुंभ राशि वाले जातकों का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो दोस्तों, बता दें कि आपका जो वैवाहिक जीवन है तो इतना अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि शनि की सीधे सातवीं दृष्टि आपके सेवंथ हाउस पर जा रही है, वो भी सिंह राशि में, शत्रु राशि है। तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन को लेकर काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहिएगा और यहाँ पर कहीं ना कहीं से अलगाव की स्थिति भी देखने को मिल सकती है, तो इसलिए आप अपने वैवाहिक जीवन को लेकर काफ़ी ज़्यादा सावधान रहिएगा। क्या आपका व्यापार अच्छा रहेगा जुलाई 2024 में। तो दोस्तों, बता दें कि यहाँ पर आपका व्यापार भी सामान्य स्थिति में रहेगा क्योंकि शनिदेव की दृष्टि जहाँ भी पड़ती है तो वहाँ उन चीज़ों से रिलेटेड आपको धीमापन देखने को मिल सकता है, मतलब कि शनि देंगे वो चीज़ लेकिन धीरे 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 करके देंगे। तो यहाँ पर आपका जो व्यापार है तो धीमा हो जाएंगे क्योंकि 29 जून को शनिदेव वक्री अवस्था में भी आ जाएंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाते हैं, तो इसलिए यहाँ
पर आप घबराइएगा नहीं कि व्यापार क्यों नहीं चल रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। सबके जीवन में परेशानी आती है पर कुछ ही समय के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा उस परेशानी को आप समझिए और ध्यान दीजिए। अब आइए चलते हैं कि कुंभ राशि वाले जातकों की नौकरी कैसी रहेगी जुलाई 2024 में। तो दोस्तों बता दें कि यहाँ पर आपकी नौकरी बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति की सातवीं दृष्टि आपके 10th हाउस पर जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी नौकरी तो बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति काफ़ी आपको सपोर्ट भी करेंगे, नौकरी से लाभ देखने को मिल सकते हैं या फिर कोई अच्छा बड़ा बदलाव देखने को मिल सकते हैं। और 15 जुलाई के बाद तो और भी बेहतरीन हो जाएगा, क्योंकि सूर्यदेव आपके 6th हाउस में आ जाएंगे। तो 6th हाउस में जब सूर्यदेव आएंगे तो कहीं ना कहीं से आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी हो सकती है और नई नौकरी की संभावनाएं भी यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आएंगी। अब आइए चलते हैं कि क्या धन की स्थिति सही रहेगी। हायर एजुकेशन कर सकते हैं कुंभ राशि वाले जातक, तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आपके 9th हाउस में तुला राशि हैं जिनके स्वामी बनते हैं शुक्रदेव, तो आपके 5th हाउस में अच्छी कंडीशन में हैं, तो आप बिल्कुल बाहर जा सकते हैं पढ़ाई के लिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद क्या कुंभ राशि वाले जातक विदेश यात्रा कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 12th हाउस पर जा रही, तो यहाँ पर विदेश से लाभ देखने को मिलेगा। विदेश में जो भी कार्य करते हैं तो वहाँ से कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, विदेश यात्रा के योग बने हुए हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। क्या आप कुंभ राशि वाले जातक गाड़ी वाहन का सुख है ले सकते हैं जुलाई 2024 में, तो दोस्तों बिल्कुल, अगर आप प्रयास करते हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि हमको जुलाई के महीने में घर लेना है, गाड़ी वाहन लेना है, तो यहाँ पर आपको आसानी से प्राप्त हो सकता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके 4th हाउस में हैं और गुरुदेव त्रिकोण और केंद्र दोनों में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर आपको धन से जुड़े अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, गाड़ी वाहन का सुख प्राप्त होगा। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल खरीद सकते हैं। और साथ ही बता दें कि अगर आपके माता के स्वास्थ्य में खराबी थी या फिर बिगड़ा हुआ था तो उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें कहाँ आपको सावधानी रखनी है और कहाँ आपके लिए अच्छा है। तो यदि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।